सो आज के वीडियो में हम क्या क्रिएटिव करने वाले हैं, ये तो आपको आज के वीडियो के थंबनेल और टाइटल से पता चल ही गया होगा। सो बिफोर स्टार्टिंग लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हाई, माय नेम इज़ गुंजन सिंह एंड दिस इज माई चैनल कॉल द आर्ट फीड, वेयर यू विल फाइंड ऑल द आर्ट, क्राफ्ट, पेंटिंग एंड DIY रिलेटेड वीडियोज। सो आज का छोटे भटूरे बनाने के लिए हम यूज करेंगे आटा नहीं लेकिन क्ले। यस, सो मैं यहाँ यूज कर रही हूँ ये फेविकल का मोल्डेड क्ले। आप ये 20 रुपीस का 25 ग्राम्स का पैकेट आता है, इसमें भी ऐसे ही दो सैशेज रहते हैं, वन इज रेजिन एंड वन इज हार्डनर। सो आप ये भी परचेज कर सकते हो, मेरे पास इसका बड़ा वाला पैक है। सो इसको हम सबसे पहले बनाएंगे इसकी सबसे पहले हम क्ले को इक्वल पोर्शंस में कट करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ ये प्रिसाइज नाइफ यूज कर रही हूँ। आपके पास नहीं है कोई बात नहीं, आप कोई भी नॉर्मल सा घर का नाइफ ले सकते हो। और सबसे पहले हम इसको क्ले को इक्वल पीसेस में डिवाइड करेंगे, बोथ रेजिन एंड हार्डनर। देन इनको हम अच्छी तरह से दोनों को मिक्स करेंगे। अगर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स नहीं करेंगे तो ये उतना अच्छे से बनकर नहीं आएगा। और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ टैल्कम पाउडर, कोई सा भी टैल्कम पाउडर आप यूज कर सकते हो जिससे ये स्टिकी ना हो हाथ से। तो इस तरह से ये एक बेस तैयार हो जाएगा। इसको हमें अब अपने प्लेट का शेप देना है। नाउ शेप देने के लिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ये टूल, दैट इज अ मंडाला आर्ट टूल। सो आप कुछ भी ऐसा जिससे आप ऐसे रोल कर सको, लाइक रोटी टाइप बेल सको, तो उस तरह का कोई भी रोलिंग टूल आप ले सकते हो। उससे प्रॉपरली आप अपने क्ले को रोल करिए और जो भी शेप का आपको अपना प्लेट बनाना है उस शेप में अपने क्ले को कट कर लीजिए। मैं यहाँ पर काइंड ऑफ ओवल शेप का प्लेट बनाने वाली हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी प्लेट का कोई भी शेप दे सकते हैं जो आपका मन हो। और मैं यहाँ पर टाइम टाइम पे टैल्कम पाउडर भी यूज़ कर रही हूँ जिससे कि जो जो सरफेस है वो स्मूथ रहे और जो मैं शेप दूँ अपनी प्लेट को वो प्रॉपर शेप आ सके। तो मैं अपने फिंगर से प्रेस करके प्लेट में अपनी लाइक स्पेस बना रही हूँ, जैसे अपनी लाइक नॉर्मल जो प्लेट्स होती हैं जिसमें दो ब्लॉक्स थ्री ब्लॉक्स होते हैं बेसिकली। सो मैं उसी तरह का अपने फिंगर से ही प्रेस करके अपनी प्लेट को प्रॉपर शेप दूंगी एंड टाइम टाइम पर टैल्कम पाउडर यूज़ करती रहूंगी। आप चाहे तो वाटर भी यूज़ कर सकते हैं इसका सरफेस स्मूथ बनाने के लिए। सो यहाँ पे मेरी प्लेट जो है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसको मैं अपने हाथों से और इवन स्केल से भी मैंने इसको अच्छा सा शेप देने के लिए स्केल का भी यूज़ किया था। नाउ हमारी प्लेट बन के तो रेडी हो गई है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे, दैट इज हम भटूरे बनाएंगे। यस, भटूरे बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने छोटा सा दोनों पीस लिए हैं, दोनों रेजिन और हार्डनर का। उसको अच्छे से मिक्स करके अपने पाम पे रख के अपने थंब से प्रेस किया है एंड उसको मैंने ओवल शेप का बनाया है। लाइक राउंड वाले भटूरे नहीं बनाए मैंने ओवल शेप वाले भटूरे बनाए हैं। सो इसको फुला फुला सा दिखाने के लाइक फ्लफी, बिल्कुल लाइक भटूरा जब तक फुला हुआ ना दिखे तब तक वो भटूरा नहीं कहलाएगा, लाइक बेइज्जती है भटूरे की, राइट। सो वैसा ही कुछ बनाने के लिए मैंने इसके अंदर पेपर का एक छोटा सा पीस फिल किया है, देन उसके ऊपर से फिर से क्ले का एक बहुत ही थिन सा लेयर रख दिया है एंड मैं उसको भटूरे के शेप दूंगी अब प्रॉपर। सो इसी तरह से मैंने अपना सेकेंड भटूरा भी तैयार कर लिया था। नाउ हम बाकी की चीज़ें बनाएंगे, दैट इज भटूरे के साथ ऑब्वियसली बात है हम क्या खाते हैं, छोले। सो नाउ हम बनाएंगे छोले एंड साइड में कुछ लाइक सीजनिंग के लिए थोड़ा सा सैलेड भी बनाएंगे। तो सबसे पहले मैंने ऐसा क्ले को रोल करके इसके बहुत छोटे छोटे पीसेस कट कर लिए थे। मैं यहाँ पर दे रही हूँ सर्कल शेप, जो कि मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ अनियन, जो मेरे
दिमाग में लाइक अनियन का शेप था, तो मैं इसको सर्कल करके बीच में मैंने उसका होल कर दिया है। नाइ जब हम इसको कलर करेंगे तो ये और थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। नाउ मैं यहाँ पे बना रही हूँ ग्रीन चिली। लाइक इंडियन सॉस स्पाइसी खाना ना खाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? स्पाइसी के ऊपर भी हम लोग ग्रीन चिली खा सकते हैं बहुत आसानी से। और मैं यहाँ पे छोटे छोटे जो बॉल्स बना रही हूँ ये है छोले। नाउ हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम अपनी क्यूट सी प्यारी सी छोटी सी प्लेट में अरेंज करेंगे, छोले भटूरे एंड सम सैलेड। जब हमारा क्ले जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद हम सबसे पहला काम करेंगे जैसो अप्लाई करने का। अगर आपके पास जैसो नहीं है दैट्स ओके, कोई इशू नहीं है, आप वाइट एक्रेलिक भी यूज़ कर सकते हो ताकि हम जो भी कलर करेंगे अब वो अच्छे से दिखें। सो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हॉबी आइडियाज़ के ये एक्रेलिक कलर्स। सो जैसो या फिर पेंट जो भी आपने किया है उसके प्रॉपर मतलब पूरा अच्छे से ड्राई होने के बाद हम इस पर अपने कलरिंग स्टार्ट करेंगे। सो मैंने यहाँ पे अपना कलरिंग स्टार्ट कर दिया है। लाइक भटूरों पे मैंने वाइट में बहुत थोड़ा सा लेमन येलो कलर मिक्स किया था एंड मैंने छोलों के लिए वाइट में ही ब्राउन कलर मिक्स किया है एंड मैंने भटूरों पे थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग्स डाली है। लाइक वो थोड़े से क्रिस्पी से हैं, लाइक जब हम फ्राई करते हैं भटूरों को तो उसके ऊपर जो टेक्सचर आ जाता है वैसा बनाने का ट्राई किया है। एंड मैं अब अपना सैलेड पेंट कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे अनियन पेंट किया है जिसके लिए मैंने रेड और ब्लू कलर को मिक्स करके डार्क पर्पल कलर बनाया है। सो वो मैंने अनियन पे किया है एंड ये रेड जो मैं पेंट कर रही हूँ दीज आर टमेटोज एंड ग्रीन चिली, तो आपको साफ साफ दिख ही रही है। मुझे छोले ना बड़े सूखे सूखे से लग रहे थे, सो मैंने एक आईडिया लगाया। सो मैंने फेविकोल में ब्राउन और रेड ये दो कलर मिक्स करके अपने छोलों के ऊपर डाल दिए, तो वो थोड़ा ग्रेवी ग्रेवी टाइप दिखने लगा। नाउ अब हम वार्निश करेंगे। सो हमें खाने तो है नहीं ऑब्वियसली वाले छोले भटूरे, लेकिन ये धूल वगैरह से बचे रहें इसके लिए वार्निश करना जरूरी है। सो वार्निश के ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर ये मैग्नेट्स यूज़ कर रही हूँ। मैंने सोचा ऐसे ही रखने से अच्छा है इसको कहीं मैं डिस्प्ले कर सकूँ, तो या तो फ्रिज मैग्नेट या तो टेबल पे या तो कहीं पर भी मैं इसको लगा सकूँ। सो या हेयर इज आर फाइनल रिजल्ट, कुछ इस तरह से दिखेगा हेयर। आई एम सेइंग हाय टू यू ऑल। सो आई होप आपको ये छोटा सा DIY अच्छा लगा होगा आज का, एंड अच्छा लगा है सो डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो।